हेलो सर, मोनिशा का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। तो यार मैंने बताऊँ, आज फाइनली परचेज कर लिया एक ब्रांड न्यू माइक। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे, मतलब मैं जब मोटो व्लॉगिंग करता हूँ ना तो उसमें एकदम साउंड क्वालिटी बहुत बेकार आती है, तभी मैं सोचा चलो अपन फाइनली एक माइक खरीद लेते हैं। और ये माइक को डिलीवर होने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि एक इसके पहले माइक मैंने ऑर्डर किया था उसका मतलब नहीं, कुछ इश्यू चल रहा था, वर्क अच्छे से कर नहीं रहा था। फिर मैंने इसको रिटर्न किया, रिप्लेस करवाया, मतलब रिप्लेस आप बोल सकते हो। फिर बाद में ये आया, इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। और आज अपन मोटो व्लॉग भी करने वाले हैं, थोड़ा अपन दिखाएंगे आपको कि कैसी क्वालिटी आ रही है। तो देखते हैं आज अपन मोटो व्लॉग का कैसा सेटअप रहता है पूरा। अभी मैं इसको माइक को भी कनेक्ट करूंगा और देखते हैं क्वालिटी कैसी है। मेरे को मेन टेस्ट करना है क्वालिटी, क्योंकि देखो मोटो व्लॉग की क्वालिटी के ऊपर इतना रहता नहीं है, मेन होता है वॉइस क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी एक बार फिर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बट वॉइस क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर साउंड ही आएगा हवा का तो मोटो व्लॉग का मतलब ही क्या। ठीक है तो गाइस देखो, ये कुछ ऐसा माइक है, तो आज इसको अपन टेस्ट करने वाले हैं। इसकी वायर उतनी बड़ी नहीं है, छोटी वाली वायर वाला लिया था मैंने। ये अराउंड शायद कितने का आया, 200 के अंडर ही आया। आपको इस माइक को खरीदना हो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अमेजोन का लिंक रहेगा। मतलब ये ऑनलाइन क्लास वगैरह लेने के लिए भी सही, लेक्चर वगैरह लेने के लिए भी सही, क्योंकि छोटा इसका वायर है ना, मोबाइल में भी कनेक्ट हो जाएगा और ज़्यादा आपका मतलब वायर का झंझट नहीं रहेगा। तो मैंने छोटे वायर वाला मंगाया है, जिससे कि हेलमेट के अंदर ही आराम से फिट हो जाए। नहीं तो जो बड़ा वाला बोया वाला आता है उसका यार क्या होता है, जो वायर होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, मैंने वो परचेज नहीं किया, ये सस्ता वाला ले लिया। तो उसकी देखते हैं क्वालिटी कैसी होती है, मेरे को मेन उसको टेस्ट करना है। ठीक है चलो जल्दी से निकलते हैं, मैं डायरेक्ट मिलता हूँ आपको मोटो ब्लॉक के सेटअप पे। सर चलो निकलते हैं। और काफ़ी मतलब टाइम हो गया मेरे को, मतलब मैं कैमरा सेटअप कर रहा था अपना पूरा मोटो ब्लॉक का सेटअप, एंड अब फाइनली हो गया है। तो आप लोग बताना आप लोग को वॉइस क्वालिटी कैसी लग रही है फिलहाल के लिए। अब फाइनली पता चलेगा कि असली वॉइस क्वालिटी कैसे आ रही है। अभी मैंने विंडशील्ड अपना ओपन किया हुआ है, और एक दिक्कत ये है यार, ये माइक की वजह से ना जो पूरा विंडशील्ड है वो बंद नहीं होगा, क्योंकि जो माइक लगा हुआ है उसकी वायर बाहर ही है थोड़ी सी, ऑब्वियसली वो कैमरा से कनेक्टेड है इसलिए। तो आप लोग बताना आप लोग को ये वॉइस क्वालिटी कैसी लग रही है। अगर ज़्यादा तेज़ आ रही हो तो मैं एडिटिंग के टाइम धीरे कर दूंगा, एंड चाहे फट रही हो या जैसा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को खुद में एक्साइटेड हूँ कि कैसी आएगी मतलब वॉइस क्वालिटी, क्योंकि मैंने माइक पहले यूज़ किए हुए हैं बट वो इतना अच्छा रिजल्ट दिया नहीं मेरे को, तो मैंने ये वाला इस बार माइक ऑर्डर किया। लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस ये अच्छा हो। अभी ग्रीन सिग्नल है, अपन जल्दी से निकल लेते हैं। एंड बताओ कल मेरे को जाना है एक मतलब गृह प्रवेश है कहीं, तो वहाँ जाना है, तो अगर आपको वहाँ का होम टूर देखना है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने मेरी लास्ट होम टूर वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था भाई, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और अपन होम टूर की वीडियो बनाते हैं, अगर आपको पसंद हो तो। वैसे तो मैं बनाऊँगा ही, लेट्स सी उसमें कैसा रिस्पॉन्स आता है। एंड यहाँ पे भी काफ़ी सारे घर वगैरह बने, मतलब न्यू प्लॉटिंग हुई है वहाँ पे, तो लेट्स सी अपन कब वहाँ जाते हैं, आपके लिए ब्लॉग्स वगैरह बनाए वहाँ पे। मतलब मेरे को काफ़ी मतलब मज़ा आता है, बताऊँ नए घर देखने में, मतलब उनके जो फील होती है ना वही अलग होती है, और उनकी होम डेकोर यार अलग ही होता है आजकल, क्योंकि आजकल तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया ना, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक नंबर होती है आजकल घरों की। तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट, अपन कब जाते हैं। एंड आज भी तो मैं शॉर्ट्स ही पहन के आ गया, मतलब मेरे पास कैपरी पड़ी थी यही पहन के आया, क्योंकि गर्मी है, मैं जीन्स वगैरह बहुत कम पहनता हूँ आजकल, और वैसे गलती की मैंने पहन की, क्योंकि जो बाइक होती है ना हीटअप ज़्यादा हो रही है, तो मेरे को नीचे पैरों में बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, बट कोई बात नहीं भाई, बाइक राइड करने का एक अलग ही वाइब आती है, मतलब उसमें तो सब मैं भूल जाता हूँ, मतलब बाइक राइड तो मज़ा ही आ जाता है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि ये जो कैमरा है ना इसमें 60 FPS का कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो 30 FPS में, तब आई नो थोड़ी स्मूथनेस नहीं है वीडियो में, थोड़ा मतलब ब्लरी ब्लरी लग रहा होगा, अब उसको भी मेरे को कुछ फिक्स करना होगा, आई डोंट नो कब जस्ट फिक्स होगा। लेट्स सी अगर आपको इसमें अच्छा मतलब वॉइस क्वालिटी लग रही है तब तो मैं यार और अपन अपग्रेड करेंगे, बाकी यार आप ही लोग हो जो मेरे को बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है, बाकी अपन तो कॉन्टेंट बनाते चलेंगे। ओ भाई गाड़ी रुकी थी, ओ नई गाड़ी है, ब्रेकडाउन हो गई,
लगता है पेट्रोल खत्म हो गया होगा, नई गाड़ी निकाला वो बेचारा शोरूम से, पेट्रोल ही इसका खत्म हो गया होगा, एक टक दबा तो नहीं देगा। 2 hours later गाइस अब थोड़ा अंधेरा हो गया, तो ये देखो लाइटिंग अपने सपना की ऐसी कुछ है, देखो लाइटिंग काफी बढ़िया, तो मैं सोचा आपको दिखा दूं। और अब अपन चल रहे हैं घर, अराउंड अराउंड 8:30 कुछ बज गए रात के, रात नहीं बोलेंगे शाम ही बोलेंगे। और ये है मेन एरिया है सतना का, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा चहल पहल रहती है। अपने को घर पहुँचने में लगेगा अराउंड 15 मिनट, और अगर ट्रैफिक ना रहे तो 12 मिनट, बाकी 15 मिनट ही लगता है। वो भाई गाड़ी कैसे बिचारी लगता है भाई, अपना फास्ट एंड फ्यूरियस देख के आया वो भाई। तो वही अपन अब घर पहुंचने वाले हैं, बट हाँ मम्मी को कॉल आया था कि ब्रेड ले लेना, तो अपन यहीं से ब्रेड ले लेते हैं, बाकी पीछे तो कोई दुकान नहीं थी, यहाँ पे मिल जाएगी शायद ब्रेड, चलो पूछ के आते हैं। एक दो बार लिया हूँ यहाँ से बट हमेशा तो यहाँ आता नहीं हूँ, लेट्स सी यहाँ अपने को ब्रेड मिलती है कि नहीं। तो वही मिल गई अपने को ब्रेड, अब अपन निकलते हैं घर के लिए। यहाँ मतलब बड़ी वाली नहीं मिलती है, जो शायद लोकल वाली होती है, आई डोंट नो, ये वाली मिलती है, बट इट इज़ ओके, वो सही है, चल जाती है। अपन डायरेक्ट निकलेंगे यहाँ से घर, क्योंकि अपन थोड़ा लेट हो गए, अराउंड अराउंड 8:30 हो गए, और अपने को घर पहुँचना था 7:30, क्योंकि IPL देखना था। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा लेट चलता है, मतलब छोटे छोटे शहर में ऐसे ही छोटा मोटा टाइम लेट होता रहता है। चलो टाइम में मिलता हूँ घर पे। तो यार अब मैं आ गया हूँ घर, और बाल एकदम मेसअप हो गए हैं, ऐसा लग रहा है भाई करंट लग गया खतरनाक। मजाक कर रहा हूँ भाई। तो यार आज अपन बताऊँ, दोपहर को एक मम्मी के फ्रेंड के यहाँ गए हुए थे, और उन्होंने एक पर्शियन कैट को ओन किया है, अराउंड 40,000 रुपीज़ की आई थी, ठीक है। तो मैं बोला चलो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, काफ़ी मतलब क्यूट कैट थी, तो अभी मैं आपको सारी क्लिप्स दिखाने वाला हूँ, तो वो एंजॉय करो। देखो ये रिजारा हेलो पर्शियन कैट है ये, अराउंड 40,000 की भाई। हेलो ज़ारा, हेलो, मियाओ। देखो बैठी। हाय। क्या बहुत क्यूट है। हाय ज़ारा। हेलो। हाय। मियाओ। 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 वाओ। तो है मेरी आवाज़ इग्नोर करना। हेलो। आंटी को निकल ले दो, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आओ, चले चलो चले चलो। ऐसा आप लोग बताएं आप लोग को ज़ारा कैसी लगी, इसका नाम जेड ए आ रहा है ज़ारा, एकदम कैमरे फोकस है यार, एकदम मतलब फोटो के लिए। हाय। देखा पोज मार रहे एकदम। म्याओ, म्याओ। तो आप में से कमेंट करके बताना आप में से कितने लोग कैट फैन है यार। ये देखो। हाय। व्हेन यू हिट द स्पॉट फुल मजा। ये बस 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 गुड नाइट। कैसे हो गई अभी, जस्ट ने लंच किया है। टेडी बेयर लगती है, टेडी बेयर ये देखो। दोस्तों अब आप लोग बताना आप लोग को आज का ये पूरा व्लॉग कैसा लगा, एंड यार आई नो मैं मुफ्टो व्लॉग में थोड़ा मैसअप हो गया सीन, तो यार जितनी भी आपने क्लिप्स देखी ना मैं उससे काफ़ी कुछ काटने वाला हूँ, क्योंकि बताओ एक तो कैमरा एंगल अच्छा नहीं था, क्योंकि जो मैं अभी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ उसका वाइड एंगल बहुत कम है, बहुत कम वाइड एंगल है, जो पहले वाला कैमरा था उसका काफ़ी अच्छा वाइड एंगल था, बट उसका दिक्कत ये है उसका जो ऑडियो जैक है वही ख़राब है, और माइक का एक इशू ये हो रहा था कि जो मतलब मैं बोल रहा था ना उसमें तो मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा था, क्योंकि मेरे को आदत है मोटो ब्लॉग में तेज़ बात करने की, क्योंकि मेरा उस टाइम माइक नहीं लगा रहता था, तो ये मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी है। आप एक बार सजेशन और देना आप लोग को और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैं माइक की वॉल्यूम थोड़ा स्लो करने ही वाला हूँ, और जैसे इसमें आपको एकदम क्रिस्प वॉल्यूम दिख रही होगी इस कैमरे के माइक में, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसका माइक है, बट उसका भी अब मेरे को कुछ सिस्टम करना पड़ेगा,
तो यार उसके लिए सॉरी, और काफ़ी सारे मैं क्लिप्स को हटाने वाला हूँ क्योंकि इसमें पूरा एंगल ही चला गया, तो क्या ही मतलब हुआ। और ये वाला था यार माइक मेरा, तो यार ये था ठीक ठाक माइक है, मतलब काफ़ी बढ़िया चल जा रहा है। तो इसको अपने को एक दो बार और यूज़ करके मैं देखूंगा, अगर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा तो इसको मेरे को अनफॉर्चुनेटली रिटर्न करना पड़ेगा। तो आप लोग जरा, आप लोग को आज के मोटो व्लॉग कैसा लगा, और आप लोग जरा आप लोग को एक कैट कैसी लगी? मेरे को यार काफ़ी क्यूट लगी, तो मैं सोचा चलो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि यार कैट्स सतना में मेरे को बहुत कम दिखी है, एक ही दो लोग के पास मैंने कैट देखी है, मतलब मैं जिनके यहाँ गया हूँ, बाकी अभी तक तो देखी नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताना आपके पास कैट है कि नहीं, अगर है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर DM ज़रूर करना। तो अपन अगर नेक्स्ट डॉग शो रखेंगे तो उसका डॉग प्लस कैट शो रख सकते हैं, आई डोंट नो कब होने वाला है, वो सब मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर देना। और मैं आपको बताऊं अभी क्या टाइम हो रहा है, दिखाता हूं। तो यार अभी अराउंड हो रहा है 3:47, जैसे आप यहां पे देख लो, और अभी मैं एडिटिंग वगैरह ही चालू कर रहा था, मैं सोचा चलो क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए कि मैं कितने बजे वीडियो को एंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं वहां से आया ना तो उसके बाद मैं नहाने चला गया, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा गर्मी आपको तो पता ही है, और हेलमेट पहना था ना तो जो पूरी धूल आती है सीधा हेलमेट के अंदर घुस जाती है, तभी मैं बोला कि चलो पहले अपन नहा लेते हैं, उसके बाद मैं IPL देखने लगा, देन यार वो सब सिस्टम हो गया और फिर मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया जो क्लिप्स देखी मैंने भाई, इतना मतलब उस एंगल अच्छा नहीं था। आई नो आप लोग को पसंद नहीं आया होगा, बट मैं नेक्स्ट मोटो व्लॉग में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, अपन वीडियो को एंड करते हैं, और मैं जल्दी से वीडियो को एडिट भी करता हूँ, और फिर सोते हैं अपन, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।